सॉरी सॉरी सॉरी। यस सर, जनरली हाउ यू डिसाइड कि कौन सा बुक पढ़ के बुकलेट ऐप में डालना है? सो एज आई सेड रीड रैंडम तो मैं करता हूँ, पर अभी कैसा है कि मेरा रीडिंग स्पीड इतना बढ़ गया है, एवरेज रीडिंग स्पीड 150 से 200 वर्ड्स पर मिनट होता है सबका, मेरा अभी 1200 वर्ड्स पर मिनट हो गया है थ्रू प्रैक्टिस। तो हाँ, तो फिर क्या 3-4 घंटे में बुक पढ़ के होता है तो फिर पढ़ लेंगे ना, वो अच्छा है बुरा है क्या फर्क पड़ता है। बट यस, फॉर एवरी समरी दैट आई रिलीज ऑन बुकलेट ऐप, मैं 3-4 किताबें फिल्टर आउट करता हूँ। आई मेक श्योर कि ऐसी किताबें विच आर वेरी रेलेवेंट इन टुडेज डे टू डे लाइफ, जे दे आर नॉट आउटडेटेड, या जैसे मोबाइल एडिक्शन एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ये कंप्लीट कैटेगरी मैंने बनाई बुकलेट ऐप में। इट्स अ जॉनर इन इटसेल्फ, जो पहले नहीं होता था, जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज है सेल्फ हेल्प, ऐसा नहीं, मैंने खुद के कैटेगरीज क्रिएट किए। सो दैट आज रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप सिर्फ लड़का लड़की नहीं, स्टूडेंट टीचर, नो ब्रदर सिस्टर, पेरेंट एंड चाइल्ड, ऐसे बुक्स जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब बुक्स मैं ज्यादा करता हूँ, जो आपके नो रोजमर्रा जिंदगी में रिलेवेंट हो गया। एंड यू विल से अरे ये तो मेरा प्रॉब्लम है, एंड यू विल गेट अ सॉल्यूशन फ्रॉम दैट बुक। सो आई मेक श्योर कि नो दे आर वेरी रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, एंड बट आई रीड रैंडम, और मुझे फिर रैंडम बुक्स में वो मैं फिल्टर आउट करके बुकलेट ऐप में रिलीज करता हूँ। मोस्टली वो बेस्ट सेलिंग होते हैं। सर, आपने भी रीडिंग स्पीड के बारे में बात की, राइट? सो जनरली हमारी युवा पीढ़ी का ये एक मेजर प्रॉब्लम आया कि रीडिंग का जो हैबिट है वो एक तो कम है और रीडिंग स्पीड उससे भी कम है, राइट? सो क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग हैं जिन्हें रीडिंग में और करना है? श्योर श्योर। सो इसके बारे में मैंने डिटेल में जिक्र किया है मेरे बुक में भी। आई कैन जस्ट शेयर द साइंस बिहाइंड स्पीड रीडिंग। मैं टेक्निक तो नहीं सिखा सकता, बट इट्स अ स्किल, कोई भी कर सकता है, टैलेंट नहीं है, स्किल है, कोई भी कर सकता है, मेरे से ज्यादा भी स्पीड आपकी हो सकती है। बट आई टुक 8 months टू प्रैक्टिस इट, इट्स नॉट सो इजी। तो साइंस ऐसा है कि टोनी बुजान इज द फादर ऑफ स्पीड रीडिंग, उन्होंने किताबें लिखी है, टोनी बुजान ने मेमोरी, स्पीड रीडिंग और माइंड मैप के वो फादर माने जाते हैं, तो उनकी किताबें आपको गूगल पे मिलेंगी। सो पहला वर्ड बचपन में हमने इंग्लिश में क्या सीखा होगा, एप्पल, फॉर एग्जांपल एप्पल। तो उस वक्त हमने कैसे पढ़ा था, एप्पल, APPLE, एप्पल ऐसा पढ़ा था। आज हम ऐसे पढ़ते क्या नहीं, आज बड़े होने के बाद हम सीधा एप्पल वर्ड बोलते हैं, हम इंडिविजुअल लेटर्स को नहीं पढ़ते, राइट? अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन वहीं पे रुक गया, हमको ये नहीं बताया गया कि इफ यू कैन रीड द एंटायर वर्ड एप्पल विदाउट रीडिंग द इंडिविजुअल लेटर्स APPLE, देन यू कैन ऑल्सो रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट रीडिंग इंडिविजुअल वर्ड्स। अगर वो पॉसिबल तो ये भी पॉसिबल है, राइट? तो यू हैव टू रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई मीनिंग है ना, राइट? से आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर अविनाश, दिस इज अ सेंटेंस सपोज, तो इसमें सिर्फ डॉक्टर को निकालो वर्ड को, देयर इज नो मीनिंग। आई एम को वर्ड आइसोलेटेड, देयर इज नो मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज मीनिंग, ऑल द मोर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो अनलर्निंग द ओल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग वन वर्ड एट अ टाइम इज मोर फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज यू आर लर्निंग द सेम स्किल दैट यू ऑलरेडी लर्न, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। एंड बट थ्रू प्रैक्टिस, यस, इट इज पॉसिबल। ओके, ग्रेट।